हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। दोस्तों, मेरा नाम है अभय और एयरलाइन एयरपोर्ट में मेरा लगभग 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको हेल्प करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और जानकारी देता हूँ कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाई जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर के सीरीज को लेकर आया हूँ जिसमें मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले तीन बातें। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं, फ्रॉड से बचिए, जालसाजों से बचिए। पॉइंट नंबर टू, अगर एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के अलावा भी आप कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, ऐसा कोई मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जिसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद आप जॉब ढूंढ सकें, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सबसे खास बात, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके बेसिस पे पैसे नहीं लगते, एक रुपए भी नहीं लगते और अगर कोई मांगता है तो वो फेक है, फ्रॉड है। और सबसे खास बात, वैसे तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करते रहता हूं जॉब के लिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने जब मुझे मोटिवेट किया एक पर्टिकुलर काम के लिए तो दोस्तों मैंने स्टार्ट कर दिया है। जी हां दोस्तों, मैंने आप लोगों के सजेशन और मोटिवेशन के बेसिस पे अपना व्लॉग चैनल चालू कर दिया है। नाम है उसका फ्लाई एयर व्लॉग्स, जो अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। दोस्तों YouTube में टाइप कीजिए @flyairvlogs या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए क्लिक करके देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। अगर आप मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मैं अपना ये व्लॉग चैनल कंटिन्यू करूंगा और इसमें ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू के इंटरव्यूज को भी मैं कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे और ये है मिस्टर सुरेंद्र सिंह और ये बोलते हैं, सर आई हैव अ क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन फी ऑल्सो वी हैव टू पे और नॉट। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन फी अगर देखा जाए इंडिगो में नहीं लगती है, विस्तारा में नहीं लगती है, लेकिन कुछ एक एयरलाइंस होती हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एयर इंडिया में जाएंगे तो वहां पर आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता है, कैश में कुछ भी नहीं देना पड़ता है, गूगल पेटीएम कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरी बात को अच्छी तरह से समझिए, रजिस्ट्रेशन फी के लिए अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर आए और बोले कि मैं एयरलाइन से हूं और कहीं से एक फर्जी अपना डॉक्यूमेंट, अपना आई कार्ड बनवा लिया और आपसे पैसे की मांग किया तो आप उसे पैसे दे दिए। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं, रजिस्ट्रेशन फी अगर कोई मांग रहा है तो डायरेक्टली आप एयरलाइन की वेबसाइट पर जाइए, एयरलाइन के उस नोटिफिकेशन को देखिए और सबसे खास बात, मेरे वीडियोस को अगर आप देखते रहेंगे आई गारंटी यू आपके साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपको एक काम करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक करना जरूरी है, कर जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आप देख पा रहे हैं, सर मैं ड्राइवर की जॉब पाना चाहता हूं, कौन से ऑफिस में जाएं जो जॉब दिला सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिगो एयरलाइंस की अपनी एक कंपनी है जो कि सब्सिडरी है अजाइल, इसी तरह गो एयर और कहीं ना कहीं स्पाइस जेट की है। तो दोस्तों डायरेक्टली आप एयरपोर्ट पे जाइए, यहाँ वहाँ हाथ पर मत मारिए और एयरपोर्ट पे जो भी लोग काम कर रहे हैं आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ आप यही कहेंगे कि सर हम दो तीन बार गए थे, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोस्तों कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, फाइनली भगवान भी बोलेगा कि हाँ भाई इस बंदे को जॉब पाने की ललक है। तो मैं यही कहूँगा, आपके आसपास जो भी एयरपोर्ट है आप वहाँ पर जाइए, देखिए जहाँ पर लोग चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जिसको कैंटीन बोलते हैं, वहाँ पर आपको कोई ना कोई मिल जरूर जाएगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि पैसे नहीं लगते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसे बताने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो है, जिसके व्यूज़ अब बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आप लोगों का प्यार बढ़ते जा रहा है, वो जो अभी आप देख पा रहे हैं जिसका थंबनेल वीडियो के स्क्रीन पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाकर जरूर देखिएगा। अगर इसे देख लेंगे ना भाई तो यकीन मानिए आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और मेरे इस वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट आता है और लोग बोलते हैं कि सर थैंक यू, इस वीडियो को देखने के बाद फ्रॉड मुझसे नहीं हुआ, मैं बच गया। तो दोस्तों इसी वीडियो पे एक क्वेश्चन आया है, एक कमेंट आया है, ये बोलते हैं सर मुझसे ग्राउंड स्टाफ जॉब बोलकर 13,000 यानी कि 13,000 ले लिया, अब मैं कैसे क्लेम करूं, एयर इंडिया रिसिप्ट मिला, हेल्प मी। तो मोहम्मद भाई मैं आपको यही कहना चाहूंगा, गलती तो हो गई, 13,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है पर्टिकुलरली इस टाइम में। आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए, जो भी आपके पास डिटेल है उन लोगों का, उनका डिटेल लीजिए, जाइए पुलिस में बात कीजिए, कंप्लेन कीजिए, चांसेस तो वैसे बहुत कम है कि आपको मिलेगा। कि वो लोग क्या करते हैं कि जहां से एक बार पैसा मिल जाता है फिर उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और फिर दूसरा सिम लगा लेते हैं, लेकिन अगर कोई चांस है तो वो है बस पुलिस। तो पुलिस में जाकर इसके रिगार्डिंग कंप्लेन कीजिए, कोशिश कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ बात जरूर बन जाएगी। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ये आप देख पा रहे हैं, ये मिस्टर एयरपा ही बोलते हैं, सर हैंडीमैन का बताइए ना।
दोस्तों हैंडीमैन की जो वैकेंसी है वो सेलबी में आती है, एयर इंडिया के जो सब्सिडरीज हैं चाहे वो एयर इंडिया सेट्स हो या फिर किसी और में, इस तरह की वैकेंसी आती रहती हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की वैकेंसी आती है मैं उसका अपडेट लेकर जरूर आता हूं, और मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है। वैसे मैं यही कहूंगा आप किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी यूं आती है और यूं निकल जाती है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ये निवेदिता मुर्मू बोलते हैं या बोलती हैं, मुझे लगता है कि बोलती हैं शायद। सर जी दिल्ली में ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू कब हो सकता है? मुर्मू जी ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू अगर बात करें इंडिगो एयरलाइंस में तो बहुत कम आते हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली में, लेकिन स्पाइस जेट में वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं। मैंने रिसेंटली में ही वीडियो बनाया था जहां पर दिल्ली में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे, शायद आपने वो वीडियो मिस कर दिया। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूं आप लोग मेरे किसी वीडियो को मिस मत किया कीजिए। मैं भी जिन लोगों का वीडियो देखता हूं सुबह और शाम दो टाइम उनके चैनल पर जाकर चेक कर लेता हूं कि कोई नया वीडियो आया है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन काफी लेट भेजता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन शुभम शर्मा का है और ये पूछते हैं इंडिगो में कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ दिनों पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें सभी कुछ सही किया लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप इसको ऐसे समझिए, क्या कहा जाता है वो तो एक अलग बात है ही, लेकिन आप अपने साइड से वहां पर जाइए, सिस्टम पे दोबारा से ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो अप्लाई कर दीजिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर बार बार अप्लाई करने के बाद भी आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसके दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि आपका रिज्यूम सही नहीं हो, दूसरा हो सकता है कि जो आपने डिटेल फिलअप किया है और आपके रिज्यूम में जो डिटेल हैं दोनों मैच नहीं कर सकते हो, और तीसरा है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। हो सकता है आपकी हाइट, हो सकता है आपकी एज, हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती हो, लेकिन मैं यही बोलूंगा कोशिश करते रहिए तभी बात बनती है। अगला क्वेश्चन सुमित पूछ रहे हैं और ये बोलते हैं कि अलायंस एयर में जो 1500 यानी कि 1500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है उसे कैसे पे करना है। सुमित जी और बाकी आप सब लोग बात समझिए, सुनिए, अलायंस एयर में बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी थी या आ रखी है कैबिन क्रू के लिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो इसमें है वो कम है, काफी बहुत कम है, 160 मेल के लिए है और अराउंड 150 शायद, मुझे हल्का सा मिस हो रहा हूं, भूल रहा हूं, ये आपको फीमेल के लिए है। तो यहां पर आपको 35 के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, पॉइंट नंबर वन, और उसके बाद अगर एलिजिबल हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और फिर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करते वक्त ही आपको डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल फिलअप करना है। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या है, किस बैंक से बनवाए, क्या किस डेट को बनवाए, ये सारा डिटेल आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वो 1500 यानी 1500 का डिमांड ड्राफ्ट आपको वहां पर लेकर जाना है। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको हेल्प जरूर किया होगा। दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर मेरा चैनल आपके काम का है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।